यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे कोई कुछ बहुत ही मजेदार थियोरीज को। वन ऑफ देम इज लुकिंग ग्लास सेल्फ थियोरी, मतलब C.H. कूले, चार्ल्स हॉर्टन कूले का आत्मदर्पण सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं सोशलाइजेशन की थियोरीज से जुड़ी हुई थियोरी है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। इसके बाद G.H. मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का जो सिद्धांत है IME का, उसको समझेंगे, थोड़ा सा सिम्बॉलिक इंटरेक्शन को समझेंगे, और जो कुछ सेल्फ की स्टेजेस हैं G.H. मीड की, उनको देखेंगे। तो ये एक छोटा सा काम करेंगे आज, बट इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होगा एग्जाम्स को, बच्चों को, खुद को समझने के लिए भी। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है तो बताइए। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर द वे यू लाइक, है ना। स्टार्ट करते हैं। तबीयत एकदम बेहतर है, पहले से ऐसे एनर्जेटिक फील कर रहे हो, तो हाँ स्टार्ट करते हैं। दो टाइम फिक्स रखिएगा, बीच में फ्लक्चुएशन आफ्टरनून में ही होगा, अगर जो भी वीडियो आएगा, सुबह में 5 बजे और शाम में 9 बजे, ये तो फिक्स है। उसके बाद आफ्टरनून में या बीच में कोई भी वीडियो आ सकता है, फिर 5 बजे के बाद कभी भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, ऑडियो वीडियो क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। बहुत अमेजिंग थियरी रहेगी। ओके हाँ, सभी को नमस्कार, शुरू करते हैं। अब बस देखिए आप आराम से बैठ करके, नोटिफिकेशन मुझे लग रहा है गया नहीं आज, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी अपने आप में मजेदार थियरी है। बेसिकली C.H. कूले, जो चार्ल्स हॉर्टन कूले हैं, वो ये कहते हैं कि भाई, और ये बात हम जानते भी हैं सोशलाइजेशन में, सामाजिकरण भी हमने समझा, कि आप कोई भी इंडिविजुअल सोसाइटी में बेसिकली बॉक्स में नहीं रहता, वो सोसाइटी में रहता है। और ये कहते हैं कि जो उसकी आइडेंटिटी है, वो भी अपने आप में ही नहीं बन जाती, वो भी इंटरेक्शन के थ्रू, रेफरेंस में बनती है। तो उसको हम समझेंगे किस तरह से हम अपना सेल्फ या आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं समाज के परिदृश्य से। स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कुछ, यहाँ पे आपके सामने कुछ लाइंस हैं। एवरीवन डेवलप्स हिज और हर आइडेंटिटी विद रेफरेंस टू हाउ अदर्स थिंक एंड परसीव देम। अब इसमें भी एक कैच है इसके बाद के, एंड हाउ ही और शी टेक्स अदर्स परसेप्शन। मतलब कहानी जो है वो बड़ी मजेदार है, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे हमने ये चीज देखी कि हर कोई जो है वो अपनी आइडेंटिटी, जो अपनी पहचान है, अपना सेल्फ है, वो दूसरों के रेफरेंस में, कि दूसरे क्या सोचते हैं और दूसरों क्या परसेप्शन है। अब ये जो पूरी एक लाइन थी, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, समझते हैं इसको, ऐसे नहीं समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो मानते हैं यहां पर बिल्कुल, यहां पे मानते हैं ये आए है, मतलब ये आप हैं, ठीक है, आए या फिर आइडेंटिटी है, ठीक, ये एक इंडिविजुअल है, आए है, इंडिविजुअल लिख लेते हैं। अब ये जो इंडिविजुअल है, मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो सकता है, ठीक, ये अपनी जो आइडेंटिटी है, ये इसको कैसे फॉर्म करेगा, रेफरेंस में, रेफरेंस में किसके किसके संबंध में, दिख पा रहा है ना, हाँ, रेफरेंस में किसके, ये चार लोगों के, है ना, क्या कहेंगे चार लोग वाली सिचुएशन। मान लीजिए ये चार लोग हैं, बहुत ही बेकार मेरी ड्राइंग है बट समझना, ठीक। अब ये जो चार लोग हैं, ये इसके बारे में क्या सोचते हैं, दिख पा रहा है, हाँ, क्या सोचते हैं इन चार लोगों की सोच, इसके अलावा इनका परसेप्शन, है ना, ये इसको भोंदू समझते हैं, बेहतर समझते हैं, क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये इसकी आइडेंटिटी, ये जो व्यक्ति था, इंडिविजुअल था, कोई ए, इस ए की जो आइडेंटिटी बनेगी वो किसके रेफरेंस में बनेगी, इन लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है इस ए को लेकर, परसेप्शन क्या है इन चार लोगों का। अब इन चार लोगों का थॉट और परसेप्शन तो ठीक था, जब यहां पे कहानी यहां एंड होगी, आप एक इंडिविजुअल रेफरेंस में आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं चार लोगों की सोच और परसेप्शन को लेके, आप क्या सोचते हैं। अब ये जो यहां तक तो ये इनके पास था ना, ये जो थॉट था, ये परसेप्शन था, अब इनके थॉट और परसेप्शन को आपने क्या इंटरप्रिटेशन दिया, वो आप हैं। मतलब आपने चार लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके सोचने को आपने कैसे खुद में इंटरप्रेट किया। मतलब कहानी ये नहीं है कि लोग आपको क्या कह रहे हैं कि आप क्या हैं, कहानी वो है कि जो लोग कह रहे हैं, आपको दिख रहा है उनकी आंखों में, आप उसको क्या इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, आप खुद को क्या बोल रहे हैं कि क्या हैं आप, ठीक है। तो ये जो ये इंडिविजुअल ए था, ये यहां पे क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा या परसीव करेगा इनके थॉट और इनके परसेप्शन को, जब ये परसीव करेगा, जिस तरह ये परसीव करेगा, वो इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है।
इंटरप्रेट करेगा, जो जो ये खुद में बोलेगा इनके बारे में, या जैसे ये इसको देखते हैं, जो इसने परसीव किया वो, जो इसने माना वो, ठीक। अभी इन्होंने एक कोट भी दिया है कि आई एम वॉट यू थिंक आई एम, कुछ लास्ट में इस तरह की लाइन है, उसको देखेंगे आगे, मतलब उसका मतलब समझेंगे अभी। उसका मतलब इन्होंने ये कहा है बेसिकली कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ अपने बारे में, मैं वो भी नहीं हूँ जो आप सोचते हैं मेरे बारे में, मतलब एज अ सोसाइटी, मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। मतलब लोगों के परसेप्शन की इंटरप्रिटेशन आप हैं, ठीक। बड़ी ऐसी कॉम्प्लेक्स मजेदार सी लाइन है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजेदार बात प्रगति। दूसरों की थिंकिंग को इमेजिन करना एक तरह से ये इमेजिनेशन, इसको प्याजे ने बेसिकली ये कहा है कहीं ना कहीं कि जो इमेजिनरी ऑडियंस एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म में आता है, एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म, जब वो इमेजिनरी ऑडियंस को इमेजिन करते हैं, मतलब ऑडियंस उनके सामने नहीं है बट वो इमेजिन कर रहे हैं वो स्टार हैं, ये हैं, वो हैं, वो पूरा डे ड्रीमिंग काइंड ऑफ, तो ये क्या एक तरह से हम इमेजिन करते हैं हर कोई। तीन तीन इन्होंने स्टेप्स बताए जिनको हम आगे समझेंगे कि क्या हैं हम, जिनको पेन नहीं मिला था जीटीबी नगर जाके ले लो या बिट्स ले लो दुर्गापुरी से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस पे अभी और डिस्कशन करेंगे, कई लोगों को अभी भी नहीं जमा होगा। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अब इस कहानी से हटके देखें तो दो एस्पेक्ट हैं जो एक इंडिविजुअल के सोशलाइजेशन को या उसके सेल्फ को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रभावित करेंगे। दो चीजें, पहली क्या है, इंडिविजुअल खुद, और दूसरा जो सोशल ग्रुप्स हैं, चाहे वो उसके दोस्त हों, पड़ोसी हों, कुछ भी हों, ठीक है। ये दोनों का जो इंटरप्रिटेशन है उसका वो है, ठीक है। तो ये बात हुई, आगे बढ़ेंगे। तीन स्टेप की इन्होंने बात की है लुकिंग ग्लास सेल्फ में, बहुत बड़े अंजलि। हाँ, तीन स्टेप की बात की, आप देख पा रहे होंगे यहाँ, ये चाहें तो लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि वही जो हम अभी बात कर रहे थे, इमेजिन करते हैं हम पूरी अपनी एक आइडेंटिटी को, उसके हिसाब से एक्ट करेंगे। फर्स्ट है यू इमेजिन हाउ यू अपीयर टू अदर पर्सन। भाई आप कहीं भी घर से बाहर निकलने से पहले ऐसे मिरर में देखते हैं या एकदम ऐसे तैयार होकर कि कैसा आपको दिखना चाहिए, है ना, कैसे कैसे दिखते हो आप लोगों के सामने, ठीक। फिर दूसरी चीज क्या है, यू इमेजिन द जजमेंट ऑफ अदर पर्सन, दूसरे आपको कैसे जज करेंगे। आप अगर ये सूट पहन के जा रहे हो तो अच्छा आज अच्छा दिखूंगा इस तरह से, आपने पहले इमेजिन कर लिया। फिर थर्ड स्टेप क्या है, जो भी आपने देखा इमेजिन किया, पहले सबसे पहले फिर से समझते हैं, पहले सबसे पहले आपने इमेजिन किया कि दूसरों के सामने आप कैसे लगोगे या कैसे दिखोगे, उस हिसाब से आप गए मान लीजिए, ठीक है। फिर आप किसी पार्टी में गए, मस्त सूट वूट पहन के आपको लगा कि बढ़िया दिखेंगे, वहां से आप आए सेकेंड स्टेप में, अब आपने इमेजिन किया लोगों का जजमेंट क्या रहा होगा, है ना, ऐसा लगता है चार लोग देख के आप ही के बारे में बात कर रहे होंगे, तो वो आपने इमेजिन किया अपने दिमाग में। अब जो आपकी इमेजिनेशन है, अब पता नहीं वो क्या बात कर रहे थे, अच्छा कह रहे थे, बुरा कह रहे थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बट आपने जो अपने आप को बोला कि उन्होंने आपके बारे में क्या समझा, वो फिर थर्ड चीज है जो इन्फ्लुएंस करेगी आपको, या तो डिप्रेशन में लेके जाएगी या बहुत ज्यादा हीरो बना देगी या खुश हो जाएंगे आप फालतू में। तो ये यहां से तीसरी लाइन आती है कि इसके बेसिस पर जो आपने इमेजिन किया दूसरों का जजमेंट, उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, प्राइड फील करेंगे, बहुत एकदम लगेगा आपको हाँ बहुत बढ़िया हूं मैं तो, या खुशी फील करेंगे, या गिल्ट और शेम भी फील कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा, इसके बेसिस पे फिर आप चेंज होते रहते हैं या जो भी आप अपना सेल्फ क्रिएट करते हैं। तो ये अपने आप में यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली हैं कि मतलब यहाँ पे इन्होंने कुल मिला के बात ये कही, जो नेक्स्ट स्टेप है, जो इनका कोट है बड़ा फेमस सा, आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम एंड आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम, है ना। तो इसको अगर हम समअप करना चाहें इस थियोरी की, इतनी ही कहानी थी जो तीन चीजें हमने अभी समझी। ये मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल हैं, ठीक, ऐसे हीरो बना देती हूँ, तो आप एक इंडिविजुअल हैं, बिजली का करंट लग गया, ये है मिरर, ठीक। ये मिरर कौन है, सोसाइटी है एक तरह से, इसलिए लुकिंग ग्लास बोल रहे हैं उसको हम, ठीक है, दर्पण है। सोसाइटी मिरर की जैसा काम करेगी आपके लिए, आपको खुद को देखने के लिए, जैसे आप मिरर में देखते हैं अपनी इमेज को। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल, सोसाइटी से इंटरेक्शन हुआ, अब ये जो इंटरेक्शन था इसका जो परसेप्शन आपने अपने दिमाग में बनाया वो आप हैं, ठीक है। ऐसे किसी ने झूठा भी बोल दिया और कहा कि हाँ बहुत बढ़िया लग रहे हो आप, तो बहुत गजब इंसान हो ये वो,
तो आपको क्या लगेगा कि हाँ मतलब ये मेरी आइडेंटिटी है, ठीक है। हालांकि इतना सिंपल नहीं है। इसमें एक और चीज ये है जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं। बिल्कुल, कोट फिर से दिखाइए, लो दिखाई देती हूँ यहाँ पे। अब इसमें एक दो चीजें हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि भाई आप कितना भी कह लीजिए कि मेरे को तो किसी का फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं पड़ता, रियलिटी ये है। अगर सोशलाइजेशन की वाली थियोरी देखें या सोशोलॉजी में थे CH कूले, इन्होंने बात की जिसके बेसिस पे। अब यहां हमने ये देखा कि हम इमेजिन करते हैं पहले कि हम सामने दूसरों के सामने दिखते कैसे हैं, फिर उनका जो जजमेंट है उसको हम इमेजिन करते हैं, और फिर हम अपने आप में शेम, प्राइड, फील, ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो एक मिनट में आप हीरो बन जाओगे, एक मिनट में जीरो बन जाओगे। और सिर्फ ऐसा नहीं है, लोग ही, उन लोगों में आप भी शामिल हैं, आप भी कहीं ना कहीं वो दूसरों के लिए उनकी इमेज क्रिएट करने में शामिल हैं। तो ये चीज हम ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा कि जब आप अपनी इमेज खराब करना पसंद नहीं करते तो सामने वाले के लिए भी आप नेगेटिव चीजें या उस तरह का एक बैलेंस चीजें आप शो कर सकते हैं। मतलब ये एक व्यवहारिक चीज है जिसको आप इस थियोरी में यूज कर सकते हैं, ठीक, बच्चों के लिए भी और खुद के लिए भी, आप क्या बोल रहे हैं किसको, ठीक। बिल्कुल, स्वैग, आपकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया, मजेदार। मतलब हाँ, मीटअप से याद आया, एक एग्जांपल ले सकते हैं इस थियोरी में हम। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसा ना हो हर बार आप इसी चीज पे रह जाएं जीवन पर्यंत कि मतलब अगर मेरे को लाइक मिलेंगे तो मैं आज अच्छा हूं या तो मैंने आज बहुत अच्छा पढ़ाया, और अगर डिसलाइक मिले तो यार मैं तो अच्छा ही नहीं हूं या मैंने तो अच्छा ही नहीं पढ़ाया। फिर आपकी जो अपनी कमांड है, जो आपका अपना अप्रूवल है, वो फिर आपने सामने दे दिया, और आप कभी भी मतलब वो बिन पैंदी का लोटा बन जाएंगे, फिर आपको पता ही नहीं है कि आपकी वर्थ क्या है, ठीक है। तो ये सिचुएशन, इसी वजह से फिर लोग डिप्रेशन में जाते हैं, परेशानियां होती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक। तो सेल्फ एस्टीम को बनाने का ये एक तरीका है, ऐसे ट्रिक। तो अभी कल परसों एक कोई मिली थी, उनका नाम मुझे याद नहीं, ऐसे GTB नगर बुक शॉप पे मैं पेन देने गई थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसी मिलके वो BEd की तैयारी कर रही थी, तो ऐसे देखी उन्होंने थियरीज वगैरह, तो उन्होंने कहा चलो सेल्फी लेते हैं, ठीक है। तो यार मैं आपको ऐसे सेलिब्रिटी वाला फील कराती हूँ, मतलब करा रही हूँ ना, मतलब वो पॉजिटिवली बोला उन्होंने, बट मेरे दिमाग में अगर यही चीज़ हो कि अगर 200-300 लोग आके या हम लोग मतलब मिलें कहीं पे और कहीं एकदम से मैंने रोते हुए देखा है लोगों को सामने, तो अगर मैं इस चीज़ को, ये जो परसेप्शन है, ये मान लो सेल्फी या जो भी सोशल मीडिया का चलन है, इस वजह से जाते हैं लोग डिप्रेशन में। यहाँ पे आप सोच रहे हो आप स्टार हो, ठीक है, दो तरीके हैं। आपने यहां से परसीव किया कि यार ये तो मेरे को एकदम स्टार की तरह, सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहा है, मैं तो स्टार हूं, सेलिब्रिटी हूं, बहुत फेमस इंसान हूं मैं तो दुनिया में, ठीक है, एक तो बात हुई ये। दूसरा तरीका क्या है, ये परसेप्शन है कि आपने इनके यहां से परसेप्शन ये क्रिएट किया। दूसरा तरीका जो मेरा अपना पर्सनल है वो क्या हो सकता है, आप सीखते हो, सिखाते हो, ठीक है, आप लर्नर हो, टीचर हो, जो भी हो, बस फर्क क्या हुआ, आप ऑनलाइन हो, ठीक है, आपकी प्रोसेस उस तरह की है, चार चीजें मुझे आती हैं, सीख रही हूं, बेहतर हो रही हूं, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं यहां। अब जब डिस्कस करते हैं, चार लोग जुड़े हुए हैं और जो एक थॉट है कनेक्टेड, जो हम सेम पर्पस के लिए काम करते हैं, जिनको हेल्प मिलती है, वो कनेक्ट करेंगे, मिलेंगे तो खुश भी होंगे, मैं भी खुश होंगी उतनी, और हम लोग साथ में फोटो क्लिक करेंगे, ठीक है, इसमें क्या बात है, ठीक। तो इसमें ये स्टार वाला फील कहां से आया, ठीक है। अब ये परसेप्शन अगर मैं क्रिएट करके बैठ जाऊं या कोई भी दुनिया में, जैसे होता है लोगों के साथ, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फिर वो ये वाला परसेप्शन बहुत भयंकर हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने खुद को क्या बोला वो मैटर करेगा, फिर वहीं से लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का सारा खेल ही वो है कि आपने खुद को क्या बोला, ठीक है। तो ये सारी कहानी है, मतलब इस चीज को ध्यान में रखा जा सकता है कि ऐसे चढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आज सुंदर लग रहे हो चढ़ जाओ, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए इंटरप्रेट आप क्या कर रहे हैं खुद को। इतनी सी कहानियां, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी के लिए इक्वल है। अब यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, क्योंकि ये इतनी ही थी और इससे जो हमें सीखना था वो भी हम सीख चुके हैं। आप खुद को क्या इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, अगर आपको ही खुद को परसेप्शन देना है तो आप बेहतर दीजिए, एक बैलेंस सोच दीजिए, ना कि ऐसे फिर आप किधर के भी नहीं बचेंगे। और ये हीरो वाला भी सीन अलग है, हीरो मतलब अब इसमें अलग फिलोसफी नहीं लगाएंगे, बस सिंपल बात इतनी ही समझेंगे, ठीक है। तो
हाँ, और इसमें दो चीजें हो सकती हैं अगर अभी भी, क्योंकि एक डिस्कशन चल रहा है, समझ सकते हैं, क्योंकि अभी एक ही एस्पेक्ट आपने देखा शायद. इसमें एक चीज हो सकती है, ये फिर से ग्लास सेल्फ, ऐसे कोई भी, ये सेल्फी वाला हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, यहाँ कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, या कोई भी, हम किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. अभी किसी का लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अपने ऊपर लागू कर सकते हैं. तो ये मी वाला मान लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे एक तो सीन ये हुआ जो देख के खुश हो रहा है एकदम, वो सेल्फी वाला फील. दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, दूसरा ये हो सकता है हेटर्स कह लेते हैं. अब ना तो ये आपको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आप बहुत बेहतर इंसान हो या बहुत बेकार हो. यहां से आपको खुशी मिल सकती है कि हाँ आप जो कर रहे हो वो बेहतर कर रहे हो, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन गलत नहीं लेके जाना. तो ये दो चीजें हुई, आगे बढ़ जाते हैं. तो सोसाइटी यहां मिरर की तरह काम करती है. और दूसरा तीन पॉइंट हमने देखे थे, पहले आप इमेजिन करते हैं आपको दूसरों के सामने दिखना कैसा है ना, कैसा आपको दिखना है. दूसरा उनका जजमेंट आप इमेजिन करेंगे फिर, जिसको परसेप्शन कह रहे हैं, आपने क्या परसीव किया दूसरों के परसेप्शन में. और तीसरा तीसरा ये कि ये आपको प्रभावित कैसे करेगा, आपका सेल्फ कैसे क्रिएट करेगा. ठीक है, ये जो तीनों इमेज थी वो आपको मिल जाएंगी. क्वेश्चंस कर लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे सारी थियरीज को मिला करके ना, कोई टेंशन नहीं है. अभी नहीं आई है डिजी लॉकर में. देखो ये डायरेक्टली बहुत कम जगह पे आई है, जो अगर मैं थ्योरी की बात करूं, बट सोशलाइजेशन का पार्ट है. और अभी लास्ट टाइम भी रीटप्लेसिंग में अभी वो पूछ लिया था एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो इसको समझना, और हमारे पास टाइम है तो समझना चाहिए ये थ्योरीज. आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरी पर. बहुत बढ़िया, थ्योरी की जरूरत थी, बहुत सही बहुत सही. अच्छा एक और चीज मेरे को याद आ रही है अभी, इसलिए नहीं, मेरे को तो ये चीजें मैं समझ चुकी हूँ, आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ. अभी ऐसे कई लोग जब बोलते हैं कि हस्बैंड कुछ नहीं समझते या नंबर या ये या वो, तो आपको दोनों ही केसेस में पता होना चाहिए, जब नेगेटिव आप सामने से परसीव कर रहे हैं और जब पॉजिटिव भी कर रहे हैं, कि हाँ आप नॉर्मल एक इंसान है, आपके अंदर कमियां भी हैं, आपको बेहतर भी होना है, आपको ये भी है, सारे एस्पेक्ट अगर आपने देखे हुए हैं, तो आप सही चीजें इंटरप्रेट करिए खुद को, वो गलत टैग मत दे दीजिए डायरेक्टली. ठीक है, तो ये अपने आपको ऐसे सेल्फ एस्टीम हाई करने का एक बेहतर तरीका है. आगे बढ़ जाते हैं. जीएच मीड का आई एंड मी की थ्योरी, छोटी सी थ्योरी है, इसको समझ लेते हैं. ये सीएच कूले का था जो हमने अभी समझा था, चार्ल्स हॉर्टन कूले का. जीएच मीड का आई एंड मी का सिद्धांत समझ लेते हैं. ठीक है, आई एंड मी का सिद्धांत, इसमें क्या है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो है मी और दूसरा है आई. मी जो है वो सोशलाइज्ड एस्पेक्ट है, सोशलाइज्ड एस्पेक्ट है जो आपने इंटरनलाइज किए हैं, एटीट्यूड समाज के द्वारा, उनका क्या एटीट्यूड है, क्या परसेप्शन है, ये सारी चीजें यहां आ गई. ठीक है, समाज के कॉन्टेक्स्ट में आई आपका रिस्पॉन्स है इस चीज को लेकर, कि जो आपने ये एटीट्यूड बिलीफ सारी चीजें जो आपने इंटरनलाइज की थी अपने अंदर, इंटरनलाइजेशन में क्या होता है, सबकॉन्शियसली आप धारण कर लेते हैं, तो उसके प्रति जो अब आप रिस्पॉन्ड करते हैं सोसाइटी में, तो ये आई एंड मी का कंसेप्ट हुआ. विपिन यादव बहुत बढ़िया. देखो हिंदी में ना, अगर मैं हिंदी की बात करूं, तो हिंदी में भी ये थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको स्पेसिफिकली हिंदी में कोई बहुत अलग सा टर्म जानना था, उसको आत्मदर्पण का सिद्धांत कहते हैं. आय का मतलब आपको पता है मैं, मी का मतलब कुछ होता होगा भाई, आय मी का भी मतलब मैं ही होता होगा, है ना. तो इस तरह से ये इसमें ऐसा कुछ टर्म नहीं है, जहां टर्म्स होते हैं मैं शेयर कर देती हूं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्योर हिंदी में तो साइकोलॉजी लिखी भी नहीं जाती है. आगे बढ़ते हैं, इसमें दो चीजें हैं, द मी इज द सोशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन एंड द आई इज द एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन. सोशलाइज्ड मतलब जो आपने, सोशलाइजेशन में क्या होता है, नॉर्म्स वैल्यूज एटीट्यूड ये सब चीजें आपने धारण कर ली. ठीक है, तो ये मी के अंदर आ गई, लेकिन जो आप एक्टिवली रिस्पॉन्ड करोगे वो आई में आएगा. ठीक है, तो ये इंडिविजुअल सेल्फ आए, और जो सोशलाइज्ड आपने सारी चीजें रखी एक जगह पर, वो मी. ठीक, आगे बढ़ते हैं. इसमें इन्होंने बात की है सेल्फ डेवलपमेंट की, कुछ स्टेजेस दी हैं,
तीन स्टेजेस हैं। एक है प्रेपरेटरी स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, जहां बच्चा बस इमिटेट करने लगता है, उसको नहीं पता किस प्रकार के, अब बहुत ज्यादा समझ करके इमिटेट नहीं करता बट करने लगता है इमिटेट, क्योंकि हम सिंबल्स के थ्रू सीखते हैं। अब सिंबल्स क्या है, लैंग्वेज हो सकती है, खेलना हो सकता है, गेम्स हो सकते हैं, तो उसी का पार्ट है। फिर है सेकंड प्ले स्टेज, जिसको 2 से 6 वर्ष की अवस्था कहते हैं, जहां पर बच्चा रोल टेकिंग शुरू कर देता है एक टाइम पर, जो भी उसके आसपास जैसे मम्मी है, बहुत जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके रोल को धारण करेगा एक टाइम पे, एक ही के रोल में रह पाता है। गेम स्टेज क्या है, गेम स्टेज में वो जो भी रोल प्ले कर रहा है, कोई भी रोल प्ले आसानी से कर सकता है, मल्टीपल रोल्स को टेक ऑन कर सकता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात हुई, आप चाहें तो ये 3 स्टेज याद रख सकते हैं, नहीं चाहें तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, स्टार्ट कर आगे बढ़ते हैं। अब ये डिस्कस कर चुके हैं हम, तो इतनी थी आज की कहानी। सोशलाइजेशन हमारा कंप्लीट होता है इसके साथ, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आशु कह रहे हैं आपको बुरा नहीं लगता, इतना कराने के बाद भी कोई ये कहता है कि हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं, देखिए इसका कोई अंत नहीं है, आप अपनी तरफ से बेस्ट, ये जो आज बोर्ड पे मैं खड़ी हूँ, इतनी जल्दी मेरा कोई प्लान नहीं था नया सेटअप करने का, हिंदी वालों का एक बहुत बड़ा रीज़न था इसमें कि एक बेहतर इंटरेक्शन, लोगों को भी बेहतर समझ आए। बट अगर कोई अपनी तरफ से थोड़ा सा भी कंफर्ट जोन से बाहर आने को तैयार नहीं है तो मैं ही कोशिश कर लूँगी, कोई बात नहीं, मैं तो खुशी से कर रही हूँ, मजबूरी में नहीं कर रही, तो ऐसे बुरा क्यों लगेगा, मतलब आप क्या सोचते हो इस चीज़ के लिए भी, मतलब ठीक है ना, ऐसे तो जी लिए आप। तो बाइलिंगुअल में कब तक आएगी बुक का बताती हूँ जल्दी, कुछ कुछ शायद कुछ स्पेशल देखने को मिले आपको। ऐसे कई लोग शिकायत करते हुए मर जाते हैं, अपने ऊपर नहीं काम कर पाते हैं, तो वो दिक्कत है। अरे कोई नहीं कोई नहीं, चलो और कोई डाउट हो तो बताओ, आज का सेशन इतना ही था, और कल क्वेश्चंस कर लेंगे सोशलाइजेशन के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस और कुछ थियरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत सारा काम है करने को। जो भी ये नेगेटिविटी पर, नेगेटिविटी अगर कोई देता है कहीं भी कमेंट में या कुछ भी, वो खुद को परेशान कर रहा है। आप बोल के देखो, किसी को गालियां देके देखो मन में 4 बार, आपको बुरा ही फील होगा, अच्छा तो नहीं हो सकता, ठीक है, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एक सेकंड रुको, किसी को ब्लॉक करना है क्या? चलिए फिर और कोई बात हो तो बताओ। साइंस का सेशन अभी नहीं होता है, जब होगा तो बता दिया जाएगा। बुक तो चाहिए, बताती हूँ मोनू, जैसे भी हो पाता है यार, 2 ही हाथ हैं। CDP के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए रुक जाओ। कब आ रही है बुक हिंदी में? अभी प्लानिंग चल रही है, देखो बताती हूँ जब भी आती है, जल्दी करने की कोशिश की जाएगी, स्पेशली ये आप ही की डिमांड पे है, अदरवाइज तो मैंने इस साल के लिए प्लान ड्रॉप कर दिया था, बट हाँ शायद मैं काम करूँगी जल्दी ही। फर्स्ट टाइम है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया रक्षा, हाँ सुबह सेशन 5 बजे ही है, बिल्कुल, अरे बिल्कुल इग्नोर, आज थियरी ऐसी थी तो थोड़ा डिस्कशन हो गया, अदरवाइज तो बिल्कुल ऐसे थोड़े ना, मैं तो चलो ठीक है, फिर लाइक शेयर कर देना सेशन पसंद आया हो तो, और हाँ ये UTET के लिए भी इक्वली हेल्पफुल है। मीटअप की क्लिप्स डाल देंगे 5 लाख पे, उसमें से निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना, इतनी बड़ी बड़ी क्लिप्स हैं। चलिए फिर धन्यवाद, कल मिलते हैं। सुपर टेट के लिए सेम चीज़ें हैं, सुबह भी इंग्लिश वाला भी, बस NVS वाला मिस कर सकते हैं आप, और इसके अलावा EVS वगैरह सारी चीज़ें कॉमन ही हैं। चलिए टेक केयर, सुबह मिलेंगे 5 बजे, धन्यवाद।